हाय स्टूडेंट्स, यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए आपको मैं एक गाइड करके किसी भी एग्ज़ाम के कैसे तैयारी करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। यानी कि इस वीडियो में आपको किसी भी एग्ज़ाम का कैसे तैयारी करना चाहिए, क्या रणनीतिक मनाना चाहिए, रहना चाहिए, लगाना चाहिए, वो मैं बताने वाला हूँ। यह वीडियो आपको ऐसे तो एग्ज़ाम के साथ तक भी साथ देगा, उसके आगे भी आपको डेली लाइफ में, आपके दैनिक दिनचर्या में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद, उपयोगी साबित होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको ध्यानपूर्वक देखना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और ये वीडियो आपको छोड़ के जाइएगा तो नहीं समझ में आएगा, पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें गाइड कर रहा हूँ, मोटिवेट आपको कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ, भले बात ही आप समझ जाए तो कमेंट कीजिएगा। चलिए, तो दो व्यक्ति मान लेते हैं, एक मान लेते हैं राम और दूसरा मान लेते हैं श्याम, ठीक है। एक व्यक्ति राम है, एक व्यक्ति श्याम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ठो पेड़ बना देते हैं, एक और यहाँ पे पेड़ बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जीने का अपना एक लक्ष्य होता है, एम होता है, टारगेट होता है, मंजिल होता है कि उसको जीवन में क्या करना है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना लक्ष्य टारगेट पता रहता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि राम का भी टारगेट इस पेड़ को काटना है और श्याम का भी टारगेट इस पेड़ को काटना है, यानी कि राम का भी टारगेट है इस पेड़ को काटना, इसका भी टारगेट है इस पेड़ को काटना, ठीक है। ऐसा पेड़ को नहीं काटना चाहिए, लेकिन मैं आपको दरअसल एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। तो राम के भी हाथ में एक कुल्हाड़ी रहेगा और श्याम के भी हाथ में कुल्हाड़ी रहेगा, दोनों का मैं बराबर साइज का कुल्हाड़ी बना दे रहा हूँ। चलिए आपको समझ में आएगा, समझते रहिए। तो पहले क्या करता है श्याम, श्याम हम लोग के कैटेगरी में आता है, यानी कि मान लीजिए ना श्याम एक मजदूर टाइप का है, मेहनती है और ज़्यादा मेहनती करने वाला है, ठीक है। तो ये श्याम अपना लक्ष्य को पाने के लिए क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, ठीक है, आगे बढ़ेगा और फिक्स समय में यानी कि 2 घंटे में अपना टारगेट जो है मंजिल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन मंजिल तक पहुंच गया है यानी कि पेड़ तक, पेड़ इसका मंजिल है, पेड़ को काटना इसका मंजिल है, तो पेड़ तक ये तो पहुंच गया हुआ है, अब ये पेड़ को काटेगा तो क्या करेगा, मैं थोड़ा पेड़ को लंबा बना देता हूँ यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो पेड़ को काटेगा तो श्याम मेहनती है, सिर्फ मेहनत करना जानता है, ठीक है, स्मार्ट वर्क बोलते हो वो नहीं जानता, सिर्फ कुल्हाड़ी लेगा, कभी यहाँ पे मारेगा, ठीक है, तो कभी यहाँ पे मारेगा, कभी यहाँ पे मारेगा, फिर कहीं यहाँ पे मारेगा, कभी यहाँ पे मारेगा, कभी यहाँ पे मारेगा, ठीक है। मतलब एक जगह नहीं मारेगा, मतलब कि कुल्हाड़ी से काटना होगा इसको, तो यहाँ कट करेगा, यहाँ कट करेगा, यहाँ कर, अलग अलग कट करते जाएगा, तो क्या होगा, पेड़ कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा पेड़, ठीक है, क्योंकि पेड़ को अलग अलग कट, अलग अलग जगह पे कट कर दिया जा रहा है, काटा जा रहा है, इसलिए पेड़ नहीं कटेगा। कटेगा भी तो लंबी समय लेने के पश्चात, मान लीजिए कि 5 घंटा समय ले लिया इस पेड़ को कटने में, ठीक है। तो ये थे श्याम, जो हम लोग कैटेगोरी का आता है, समझ गए, इनको स्मार्ट वर्क करने नहीं आता है, बस मेहनत करना जानता है और दिन रात मेहनत किया और अपने टारगेट को पाया, यानी कि पेड़ को काट गिराया। चलिए अब यहीं पे देखिए, एक राम है, राम ऐसे तो मेहनती भी है, तेज भी है, चालाक भी है और मेहनती है
और इसमें एक खास बात है राम में कि यह स्मार्ट वर्क करता है, स्मार्ट वर्क। श्याम सिर्फ सिंपल वर्क करता था, हार्ड वर्क करता था, श्याम हार्ड वर्क करता था, ठीक है, और राम स्मार्ट वर्क करता है। अब देखिए ये अपना टारगेट कैसे पूरा करेगा, ये क्या करेगा, ऐसे तो दो, ये इसको भी टाइम लगेगा पेड़ तक पहुंचने में 2 घंटा, ठीक है, यहां तक पहुंच गया पेड़ तक, तो ये क्या करेगा, इसके पास जो हथियार रहेगा ना, ये कुल्हाड़ी जो है, इसका कुछ समय के लिए इसका धार तेज करेगा, ठीक है, इसका धार तेज करेगा, और तेज करने के बाद इस पेड़ को अलग अलग जगह पे नहीं कट करेगा, अलग अलग जगह पे नहीं काटेगा, जैसे श्याम यहाँ पे अलग अलग जगह पे काटा है तो ऐसे नहीं काटेगा, ये एक ही जगह पे काटेगा, यहीं भी मारेगा, फिर यहीं पे मारेगा और यहीं मारेगा, यहाँ पे पेड़ पे पेड़ को 10 मतलब कितना 3, 6, 7, 8 बार कट करने पर पेड़ को काटा है, लेकिन यहाँ पे यह 2 ही बार कस के मारेगा जोर लगाकर, और इसका जो कुल्हाड़ी जो है वो बहुत तेज भी किया हुआ है, पिजारा भी जो बोलते हैं ना उस टाइप से, 2 ही कट में इस पेड़ को काट देगा। तो इस बात को समझिए, तो मतलब कि श्याम भी हार्ड वर्क किया और राम सिर्फ स्मार्ट वर्क किया, बहुत कम समय में अपने टारगेट भी पा लिया, ठीक है, इसी तरह। तो श्याम और राम की जगह पे आप कौन से जगह पे, अब देखिए, यानी कि आपका भी लक्ष्य टारगेट होगा, अब मान लेते कि आपका लक्ष्य टारगेट रेलवे एग्जाम होगा, NTPC मान लेते हैं, ठीक है, अभी इसका रिजल्ट आया है, तो रेलवे NTPC का किसी का ऐसा तो निकला होगा रिजल्ट, उस पर बात नहीं करते हैं। तो देखिए राम और श्याम के भाते ही आप लोग भी रेलवे की तैयारी करते होंगे, तो आप लोग कैसे मेहनत करते हैं, या तो हार्ड वर्क करते हैं या स्मार्ट वर्क करते हैं, अब आप मिला लीजिए, आप हार्ड वर्क करते हैं कि स्मार्ट वर्क करते हैं, तो हार्ड वर्क करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमको जो भी टारगेट है, लक्ष्य है, उसको कम समय पाना है, तो कम समय पाने के लिए हमको हार्ड वर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क से पा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे कुल्हाड़ी है, लेकिन जैसे मान लीजिए हम लोग के लिए ये टारगेट पाना है तो क्या कुल्हाड़ी होगा, हम लोग कुल्हाड़ी होगा दिमाग, ठीक है, मैं यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग का कुल्हाड़ी क्या है, दिमाग है, ब्रेन है, अब इसको हमको तेज करना है, ठीक है, तो इस ब्रेन को कुल्हाड़ी को तेज करना है, यानी कि हमारी जो ब्रेन है उसको तेज करना है, तो तेज करने के लिए बहुत सारा मेथड है, अच्छे खान पान होते हैं, थोड़ा रिलैक्स मोड, माइंड फ्रेश, कुछ वीडियो आते हैं, इस तरह से आप अपने ब्रेन को रिलैक्स और तेज कर सकते हैं। और दूसरा है हमको स्मार्ट वर्क, यानी कि हमको रेलवे का एग्जाम देना है, तो रेलवे में क्या क्या आता है वो फोकस करना है, यानी कि रेलवे का सिलेबस है, रेलवे के ही ईद गिर्द हमको क्या करना है, उसका तैयारी करना है, ऐसा नहीं कि रेलवे का फॉर्म डाल दिए और SSC बैंकिंग अदर एग्जाम का उसका सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसका कुछ तैयारी कर रहे हैं, मतलब उसका पढ़ाई कर रहे हैं, सिर्फ हमको टारगेट रेलवे है, तो हमको सिर्फ रेलवे का सिलेबस, रेलवे के ही ईद गिर्द हमको तैयारी करना होगा, तभी हम लोग पा सकते हैं। तो बस वही है, राम की तरह हम भी बन जाएंगे, बस अपना कुल्हाड़ी जो है, यानी कि कुल्हाड़ी हमारा दिमाग है, तो दिमाग को तेज कीजिए, और यह पेड़ को एक ही जगह काटा है, तो हम लोग को सिर्फ पेड़ हमारा रेलवे NTPC है, तो उसको सिर्फ रेलवे NTPC के जड़ को ही काटेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम का क्या सिलेबस रहता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, यानी कि उस एग्जाम का पिछले 10 साल का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन उठाकर प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि उसमें कैसा क्वेश्चन आ रहा है और कैसा उसका सिलेबस है, तभी आपको उसका उस पेज जो है उसका टारगेट का बहुत जल्द पता चलेगा, तभी उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। नहीं तो हार्ड वर्क के लिए आप जो भी मिल रहा है पढ़ते जा रहे हैं,
जो भी मिल रहा है पढ़ते जा रहे हैं। इधर से फ्री मेटेरियल मिला तो पढ़ते गया, उधर से फ्री मेटेरियल मिला पढ़ते गए, तो पढ़ते ही जाएंगे, हार्ड वर्क करते जाएंगे। लेकिन हम आपको टारगेट जो है वो आपको हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क से भी मिलेगा, स्मार्ट वर्क से मिलेगा तो ही बताया ना। ठीक है, ऐसे आपके पास ज्यादा समय है और शुरुआती है, तो आपको जितने भी सारे हैं तो सबका पहले आपको बीएससी क्या करना होगा, मैं आपको यहीं पे क्लियर बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अभी टेंथ करके आए हैं, सोच रहे कि अभी से ही कम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करें या इंटर करके आए हैं, तो पहले देख लीजिए जितने भी एग्जाम को आपको तैयारी करना है, रेलवे में जाना है, एसएससी क्या करना है। अगर टोटल चीज का करना है तो सबका पहले बीएससी की मैथ जो होता है, बेसिक रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है और थोड़ा जीके जीएस होता है, उसको पहले एक बार देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको किसका फॉर्म डालना है, किसका स्पेशल तैयारी करना चाह रहे हैं, रेलवे का, एसएससी का, बैंकिंग का, किसी भी एग्जाम का। ठीक है, तो सिर्फ मान लीजिए रेलवे का तैयारी करने जा रहे हैं तो रेलवे किस एग्जाम का तैयारी करने जा रहे हैं, फिर उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए, क्रोम वेबसाइट पे मिल जाएगा इसका सिलेबस, तो उसका सिलेबस डाउनलोड कीजिए और उसका चैप्टर बाय चैप्टर क्या कीजिए और उसको बुक से उसका उस चैप्टर का हेडिंग जान लीजिए। जैसे नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम पहले बुक उठाइए, उस नंबर सिस्टम का कंसेप्ट है उसको पहले पढ़ जाइए, फिर उस पर जो ट्रिक है वो पढ़ जाइए, फिर उसके क्वेश्चन अपने से बना लीजिए। तब जो कोई सर कोचिंग करते हैं वहां, तो वहां का स्टडी मटेरियल आता है, नंबर सिस्टम पहले बना लीजिए। ठीक है, तो कहना चाह रहे हैं कि जो सिलेबस है जिसका तैयारी कर रहे हैं उसी के ईद गिर्द बनाइए। ठीक है, तभी आपको पीएस जैसा आपका टारगेट क्रेक हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। कुछ भी मिलेगा, रेलवे का फॉर्म डाल दिए, एसएससी का पढ़ रहे हैं, स्टेट पीसीएस का पढ़ रहे हैं, बैंकिंग का पढ़ रहे हैं, एग्जाम में जाते तो पता नहीं चलता कौन सा कुछ आना गया। ठीक है, करियर पे कुछ का पढ़ रहे हैं, इधर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिए, इससे आप क्या हो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अच्छे टीचर का गाइडेंस का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो हम भी आपको गाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बना आपको समझ आ चुका है, तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, डाउट भी कमेंट करके पूछ लीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।